हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक इजी फेस्टिव मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मेकअप लुक के लिए मैंने बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, और अगर मेरा मेकअप लुक आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं और भी लुक क्रिएट कर सकूँ। मेकअप से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेस मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है अरोमा मैजिक विटामिन सी स्किन लाइटनिंग जेल क्रीम। आप कोई भी अपनी पसंद का मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर यूज़ करने से आपकी स्किन, आपका फेस ऑल डे लॉन्ग मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रहता है। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है लैक्मी एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर। प्राइमर यूज़ करने से एक तो आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, और ये आपको एक मैट लुक देता है, और साथ ही साथ आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। इसलिए मेकअप करने से पहले प्राइमर को स्किप बिल्कुल भी ना करें। बेस मेकअप के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला है लैक्मी 925 सीसी क्रीम एंड सेकेंड है लैक्मी 925 म्यूज फाउंडेशन। तो आज का मेकअप मैं म्यूज फाउंडेशन यूज करके करूंगी। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने फिंगर का यूज़ किया है, बट अगर आप चाहें तो मेकअप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प भी ले सकते हैं। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे एक लिपस्टिक ली है। मैंने लिया है लैक्मी 925 लिप कलर, और इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 26, जो कि एक पीच कलर है। आप किसी भी मैट लिपस्टिक को एज अ आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि उसकी क्वांटिटी, लिपस्टिक की क्वांटिटी आप थोड़ी थोड़ी लेके अपने आईलिड पे अप्लाई करें, और आपको उसे ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा, जिससे आपकी लिपस्टिक आई शेडो की तरह आपकी आईलिड पे ऑल डे लॉन्ग स्टे करे। आईलाइनर के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन स्केच आईलाइनर, क्योंकि जो पेन आईलाइनर होते हैं वो यूज़ करने में काफ़ी स्टर्डी और हैंडी होते हैं। इनसे एप्लीकेशन बहुत इजी हो जाती है। अगर आप बिगिनर हैं तब भी आप इनसे अच्छे से आईलाइनर ड्रॉ कर पाएंगे। और आज मैं थोड़ा सा मोटा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, जिसकी वजह से आईज थोड़ी सी पॉपअप होती हैं और आईज बड़ी दिखती हैं। काजल के लिए मैंने लिया है ब्लू हेवन सॉफ्ट काजल। इसमें मेरा शेड है ब्लैक। इसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई करूंगी। मैंने जितने भी प्रोडक्ट इस मेकअप लुक में यूज़ किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम प्रोडक्ट यूज़ करें। आपके पास जो मेकअप प्रोडक्ट हो आप उनसे ही अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं। लिपस्टिक के लिए मैंने लिया है मिस क्लेयर सॉफ्ट लिप क्रीम। इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 20। तो ये है मेरा फाइनल लुक। होप मेरा ये लुक आपको पसंद आया हो। मैंने यहाँ पे अपने बालों को टाई कर लिया है, बट अगर आपको पसंद हो तो आप अपने बालों को ओपन भी रख सकते हैं। तो अगर ये मेकअप लुक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।